बीपीएससी TRE 3 की जो परीक्षा फल यानी जो रिजल्ट है उसको लेकर किस प्रकार की चीजें हो रही है, और जो लगातार इस तरह की चीजें आ रही है कि अभी लगातार छुट्टी भी है, दीपावली भी है, छठ पूजा भी है, तो जिस तरह की चीजें हो रही थी कि दीपावली के बाद और छठ पूजा के पहले कई अखबारों की सुर्खियों में या कई न्यूज चैनलों ने इस चीज को प्रमुखता से छापी है, चलाया भी है न्यूज में, कि जो बीपीएससी के हवाले से, जो सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर चल रही है। बीपीएससी के साइड पर इस तरह की चीज नहीं हो रही है, लेकिन कई अखबारों ने छापा है कि बीपीएससी का रिजल्ट छठ पूजा तक यानी दीपावली और छठ पूजा के पहले जो है वो रिजल्ट का प्रकाशन आ जाएगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ बीपीएससी के चेयरमैन से, और जिस तरह की चीजें फैलाई जा रही है खबरें भ्रामक रूप से, पहले कहा जा रहा था कि रोस्टर क्लियरेंस के जो मामले हैं उस पर अभी तक चीजें नहीं हो पा रही है, TRE 1 और TRE 2 दोनों के जो बाकी सीट है, तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी DPO और DPM के स्तर से जो चीजें चिट्ठी के द्वारा भेजी गई थी कि आप सभी चीजों का आकलन करके, सीटों का आकलन, जो पूरक परिणाम जारी नहीं हुए, TRE 1 में मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट जारी हुआ, TRE 2 में पत्र जारी हुआ था, शिक्षा विभाग ने एक चिट्ठी बीपीएससी को भेजा कि 14,700 पदों की सूची निकालकर आप रिजल्ट को निकालिए, परंतु रिजल्ट नहीं निकला। तो सारी चीजें की जो सीटें बाकी रख दी गई है, जो बाकी सीट है, बची वैकेंट सीट है, उसको रिजल्ट में TRE 3 में जोड़कर कहे रिजल्ट देने की बात की जा रही थी, तो इसलिए जो है रोस्टर क्लियरेंस के मामले में ये तीन चीजें हो रही थी। दूसरे तरीके से आरक्षण का जो रोस्टर क्लियरेंस है, जो आरक्षण के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चला गया है, उसके पहले बिहार सरकार ने एक फैसला किया था कि हम 65% नहीं, हम 50% पूर्व के रिजल्ट की तरह ही जो है हम रिजल्ट का प्रकाशन करेंगे। तो सारी चीजें क्या 50% के आरक्षण के तहत जो है रिजल्ट का प्रकाशन होगा, तो इस मामले में भी कई चीजें सामने आई है, आपको इसको पहले आएगी, लेकिन हम लोग का स्पष्ट मानना है कि बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली नहीं हो, इसलिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप पहले करा लें। जितने भी अभ्यर्थी हैं ठोक बजा के उनका एक एक एकेडमिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे वो दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट, और जो भी चीजें उनके संबंध में जो भी आवेदन के साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट को इंक्लोज किया है, सब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन आप अपने स्तर से कर लें, तभी आप रिजल्ट का प्रकाशन करें। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और रिजल्ट कब होगा ये बीपीएससी तय करे। अगर लगातार आप रोस्टर क्लियरेंस के मामले में, आरक्षण का रोस्टर क्लियरेंस उस मामले में भी लगातार गतिविधि को बढ़ा रहे हैं, इस मामले में लगातार छात्र अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि TRE 3 के रिजल्ट के प्रकाशन में आखिर इतनी देरी क्यों है। अगर आपको 50% भी आरक्षण पर रिजल्ट निकालना है, उस रिजल्ट का प्रकाशन आप जल्द से जल्द कर दें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट रिजल्ट के प्रकाशन के पहले DV, ये बहुत जरूरी है। इसलिए सारी चीजों पर बीपीएससी को क्लियर करना होगा, और जिस तरह की खबरें भ्रामक रूप से फैलाई जाती है कि बीपीएससी TRE 3 में आखिर रिजल्ट में देरी क्यों, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी नीति, दोहरी मंशा, एक तरफ बीपीएससी के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सरकार की तरफ से जो भी हलफनामा आता है कि हम डबल बेंच में जाएंगे, और दूसरे तरफ से अब रोस्टर क्लियरेंस के मामले में भी ये कहते हैं कि रोस्टर क्लियरेंस के चलते जो है रियल टाइम में देरी है। सीधे सीधे है कि सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर है।